Hey guys, welcome back to my channel Funex. So in today's video, I'm going to show you how you can DIY this mini royal sofa set. For this you will need cardboard, foam and glitter paper, scissor and glue, fabric and needle and thread, tweezer and pencil, gems and stones. So let's begin. So guys, as you can see, I've taken a cardboard sheet and on that I'm tracing a royal sofa set shape like this. As you can see, like this I'm tracing it. And after that guys, main isko cut karungi. As you can see, I've cut it three different shapes and parts. So guys, before that main yahan pe isko tufted banaungi. So for that maine yahan foam pe same shape cut kiya hai trace karke, and even same with the fabric. Yahan maine मरून वेलवेट फैब्रिक लिया है रॉयल लुक देने के लिए, बिकॉज गाइज यू नो कि रॉयल लुक होता है उसमें मरून कलर ज़रूर यूज़ होता है. आफ्टर दैट मैंने यहाँ वाइट मेजरमेंट पेंसिल ली है एंड उससे मैं यहाँ पे डॉट्स बनाऊंगी लाइक दिस. नाउ गाइज उसको फोम शीट पे रख के विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड उसको हम लोग टफ्टिंग करेंगे लाइक दिस. मैं यहाँ पे टफ्टिंग बना रही हूँ उसको. एंड गाइस, डॉट्स को मेन फोकस देने के लिए यहाँ मैं कुछ स्मॉल व्हाइट पर्ल बीड्स लूंगी लाइक दिस. गाइस सेम वे करके मैंने फुल टफ्टिंग कर लिया. एज यू कैन सी ये कितना अच्छा दिख रहा है. एंड आफ्टर दिस मैंने जो कार्डबोर्ड का शेप कट किया था उस पर उसको स्टिक करूंगी विद हेल्प ऑफ अ ग्लू. आप उसको स्टिक कर लीजिए लाइक यहाँ मैं कर रही हूँ. सेम वे गाइज यहाँ पे मैं जो काउच है उसके लिए भी सेम थ्री कटआउट्स लिए हैं एंड टफ्टिंग कर लिया है मैंने एंड उसको भी ग्लू की हेल्प से स्टिक करूंगी. दिस इज द स्मॉल सोफा गाइज जो सिंगल काउच होता है. लुक गाइज यहाँ पे मैंने थ्री सोफा के कटआउट्स कर लिए हैं सो दैट वो इक्वल एक सेट बन सके. आफ्टर दैट मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से उसको स्टिक करूंगी इस तरह से, सारे एजेस कवर कर दूंगी मैं. लुक गाइज बैक साइड पे जो एक्सेस फैब्रिक है उसको भी कवर करूंगी इस तरह से. गाइज ये हो चुका है. एज यू कैन सी यहाँ मैंने जो तीनों थे उनको सेम वे में कर लिया है. आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे मैंने एक और कार्डबोर्ड का कटआउट लिया है एंड उस पर मैं उसके एक एंड पे इस तरह से वेलवेट फैब्रिक लगाऊंगी. मैंने तीनों के साथ सेम प्रोसीजर यूज किया है. दिस विल बी द सीट गाइज. सो इसको भी मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लूंगी, दोनों को अटैच कर लूंगी. सेम इसके लिए भी करूंगी गाइज. नो गाइज यहाँ पे मैंने इस शेप के टू कार्डबोर्ड्स के कटआउट्स लिए हैं. एक को मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी एंड द सेकेंड वन उसको भी इस तरह से थोड़ा डिफरेंटली फोल्ड करूंगी विद द हेल्प ऑफ एनी पेंसिल और एनी थिंग. आप उसको एक सिलेंड्रिकल शेप दे सकते हैं, फोल्ड दे सकते हैं. नो गाइज दोनों को इस तरह से अटैच करूंगी मैं एक साथ. सो दिस विल बी द हैंड सीट. तो गाइस ये मैंने इसी तरह से दोनों बना लिए हैं. आफ्टर दिस मैं फैब्रिक लूंगी, सेम फैब्रिक मरून वेलवेट एंड उसको भी मैं ग्लू की हेल्प से कवर कर दूंगी. गाइस इसी वे में मैं सारे हैंड साइड्स को ऐसे ही कवर करूंगी. नो गाइज ये जो आपको दिख रहा है एक्सेस फैब्रिक है उनको कट कर दूंगी सो दैट वो एक नीट एंड क्लीन लुक दे लाइक दिस. नाउ आफ्टर दिस गाइज जो सेकेंड साइड है जिस जो प्लेन वाइट है उसको भी मैं सेम वे में कवर करूंगी सेम क्लोथ से. गाइज एज यू कैन सी मरून फैब्रिक से काफी रॉयल लुक आना स्टार्ट हो गया है लाइक दिस. मैंने यहाँ पे सिक्स डिफरेंट पार्ट्स कर लिए हैं
आफ्टर दिस गाइस, जो उसका बैक साइड है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेड हार्ड प्रिंटेड पेपर लिया है। आप कोई भी पेपर लेके उसको कवर कर सकते हैं सो दैट वो बैक साइड से भी अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। नो गाइस, मैंने कुछ इस तरह से कटआउट्स लिए हैं, दीज आर टोटल 12 कटआउट्स एंड उनको मैंने जो साइड हैंडल बनाया था उस पर इस तरह से स्टिक करूंगी ऑन बोथ दी एजेस। As you can see, यहाँ पे मैंने टोटल 6 बना लिए हैं एंड उन दोनों के एजेस पे लगा लिए हैं जो 12 कटआउट्स बनाए थे। सो गाइस, दीज आई विल प्लेस लाइक दिस ऑन बोथ दी एजेस विद द हेल्प ऑफ अ हॉट ग्लू गन। मैं यहाँ पे दोनों को स्टिक कर दूंगी। यही मैं स्मॉल काउच पे भी करूंगी गाइस सेम वे। As you can see, यहाँ पे सोफा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। Now guys, इसकी सीट बनाने के लिए मैंने सेम प्रोसीजर यहाँ भी यूज करूंगी। कार्डबोर्ड का शेप्स कट करा है एंड फोम शीट ऑल्सो कट की है। दोनों को मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक करूंगी। Guys, सेम जो सिंगल सोफा है उस पर भी करूंगी। Look, as you can see, हाँ मैंने 3 बना लिए हैं। After that, मैं उनको भी वेलवेट फैब्रिक से कवर करूंगी। करने के बाद गाइस, सीट को यहाँ स्टिक करूंगी एंड as you can see, यहाँ पे मैंने जो सीट लिया उसको 3 पार्टीशंस दिए हैं विद हेल्प ऑफ थ्रेड। ये बहुत इजी, आप कर सकते हैं। So guys, सारी जो मैंने सीट्स बनाई हैं उनको स्टिक कर लूंगी। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ ग्लिटर पेपर लिया है, फोम ग्लिटर पेपर एंड इस तरह से उसको ट्रेस करूंगी आउटर बॉर्डर बनाने के लिए। लुक गाइस, ये कुछ इस तरह से बन गया, एक स्टेंसिल टाइप बन गई है ग्लिटर पेपर से एंड ये कुछ इस तरह से फिट होगा। सो इसको मैं ऐसे स्टिक कर दूंगी ग्लू की हेल्प से। गाइस, लाइक दिस इसको स्टिक कर रही हूँ। As you can see, स्टिक हो चुका है। नाउ उसके जो बेस है वो बनाने के लिए मैंने यहाँ कार्डबोर्ड का एक लंबी सी थिन स्ट्रिप कट की है उसको भी मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। तो गाइस, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक शेप देके ग्लिटर पेपर की स्ट्रिप कट की है एंड ये साइड के हैंडल्स भी कट कर लिए हैं, उनको भी मैं स्टिक कर दूंगी। नाउ गाइस, फॉर द बेस जो स्टैंड बनेगा उसके लिए यहाँ मैंने पेपर कॉइलिंग के कुछ रोल्स कट किए हैं एंड उनको एक साथ स्टिक कर लिया इस तरह से एंड उनको भी स्टैंड की जगह पे मैं नीचे ऑन दी 4 कॉर्नर्स स्टिक कर दूंगी। सेम मैं यहाँ भी करूंगी गाइस, नीचे एक कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट करके लगाऊंगी फॉर द बेस एंड उनको भी ग्लिटर पेपर की हेल्प से कवर कर दूंगी। Guys, glitter paper makes it more sparkly, so you can use that. Even आप plain paper use कर सकते हैं। On the base भी मैं यही लगाऊंगी। And after that, मैं यहाँ भी stands लगा दूंगी guys. So as you can see, ये equally खड़ा हो रहा है। Now guys, यहाँ मैंने कुछ cushions बना लिए हैं। 2 types के cushions बनाए मैंने यहाँ पे। So आप उससे decorate कर सकते हैं। This is the second option. So guys, I hope you liked my video. This is the final look. And if you did, please make sure you give it a thumbs up and subscribe to my channel. And make sure you hit the bell icon so that whenever I post a new video, you will be notified. Till next time, bye-bye.